हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आज की मेरी इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने गांव को, अपने गांव के हालात, क्या लोग कर रहे हैं, कैसे आजकल की लोगों की दिनचर्या हो गई है गांव में। तो बने रहना शुरू से लास्ट तक। स्वागत है आपका फिर से आज की इस नई वीडियो में। अभी की बात करूं दोस्तों, तो अभी मैं नहाया हूं, जैसा कि आपको लग रहा होगा बाल अभी गीले हैं, और सुबह नाश्ता किया था 2-3 रोटी के साथ, फिर से भूख लग चुकी है। तो फिलहाल दाल आपकी चूल्हे में रखी है, आपने देखा होगा प्रेशर पहले ही मैंने बता दिया आपको। और बाकी अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, छाछ पड़ी अंदर, भाई जी के घर से लेके आया था मैं छाछ। किनके घर से लेके आया था वो भी बताऊँगा। छाछ आपको पता ही होगा, मट्ठा बोलते जिसको, बाकी गांव के ही लोग वीडियो देखते हैं उन्हें अच्छे से समझ आएगा किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बताना कब से आपने गांव की छाछ नहीं पी, ये ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। अभी बनाता हूँ छाछ, छाछ में नमक मिर्ची डालेंगे और उसको पी के फिर चलेंगे गांव को दिखाने आपको। तो चलिए मेरे साथ। देखो, इस बर्तन में रखी है छाछ, पट्टी बोलते हैं इसको, धूल भी जम रखी है थोड़ा। इसको ओपन करेंगे, आपको बताएंगे। ये तेल है भाई साहब। दोस्तों, गलती से मैं गलत पट्टी को आपको दिखा गया था। और गांव के फ्रिज में क्या रखा होता है ये देखो, कुछ नहीं रखा हुआ है क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा है, और रखना क्या है, रखने का कुछ रहता ही नहीं है गांव में, सब फ्रेश मिलता है एकदम जो है। अब देखो ये पट्टी है, और मैंने आपको गलत पट्टी दिखा दी, सेम थी, मैं सोचा इस पर रखा है, इस पर रखा था तेल और इस पर रखी है आपकी छाछ, ये देखो। और इसको थोड़ा हिलाएंगे, उसके बाद ये आपकी मट्ठा, और इसको हम रखेंगे किसी गिलास में। कुछ नहीं होंगे, और ये छाछ हमने डाल चुके हैं, और ये होगी थोड़ी खट्टी क्योंकि थोड़ा पुरानी हो चुकी है, फ्रिज में तो रखी थी, थोड़ा सा मैं डालूंगा पानी क्योंकि एकदम पचाना भी मुश्किल है, तो पानी डालना ज़रूरी है। उसके बाद मैं डालूंगा इसमें नमक मिर्च, ये भी रहने देता हूँ, ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों। देखो इतना डाला मैंने नमक, और इतनी डाली मिर्ची, बहुत है। उसके बाद इसको घोलेंगे और आराम से पी जाएंगे। हरी मिर्ची होती तो बढ़िया था, लेकिन आजकल लगी नहीं है। देखो एक ओहो गिरा दिया भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में हुआ दोस्तों, ठीक है। अब इतनी मेहनत के लिए आपका बस ये है एक लाइक, और अगर चैनल पे आ रखे हो तो एक सब्सक्राइब, अगर नहीं आ रखे हो, पुराने हैं वो देखते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखते रहें हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोस बता देंगे। फिर चम्मच को यहीं रख देते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। हो गई है छाछ तैयार। तो दोस्तों, मेरी छाछ हो गई है तैयार, ये आप ग्लास में देख सकते हो, ठीक है। और टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि गांव की प्योर छाछ है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं डाल रखा आपने देखा, जैसे कि नमक और लाल मिर्ची डाल रखी है मैंने, मिर्ची पाउडर, और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट हो रहा है। धूप में हम पीते नहीं इसको, छाछ को गांव में जाए धूप में नहीं ले जाते हैं, इसलिए यहीं पर पीनी पड़ेगी। बाकी कहां से लेके आए मैं इसको आपको वह भी बताऊंगा, और फिर भी लेके आऊंगा, फिर भी बताऊंगा। चलिए इसके बाद आपको गांव की ओर लिए चलते हैं। अभी आ गया हूं दोस्तों मैं अपने छत पे, और यहां पर जो सामने आप मकान बनते देख रहे हो, ये अपने दादाजी का मकान, नया मकान बन रहा है। और ठीक घर के आगे पुप्पू जी लेके आ रही हैं घास का भारा, जैसा कि आपको अगर जूम करके बताएं तो देख सकते हो आप पुप्पू जी का घास का भारा, ये देखो घास लेके आ रही है अपने भैंस के लिए। और अपनी छत पे लगाया ये वी सेट, ये मतलब हाई नेट के लिए यूज़ किया जाता था पहले, जब हमारे गांव में नेटवर्क नहीं हुआ करते थे, इससे जो है
हम जो है लैपटॉप वगैरह चलाया करते थे। तो इसका सारा सामान निकाल लिया गया है, अब हटा दिया गया है, बाकी ये डीसी डिस बचा हुआ है और ये नुकीले तार, ताकि बंदर वगैरह इस पर अटैक नहीं करे। भले हमारे यहाँ होते नहीं हैं बंदर इतने, लेकिन इसलिए ही लगाया गया था और इससे चलाते थे हम नेट। इसका खर्चा था दोस्तों, अगर आपको बताएं तो 3500 रुपये महीने का इसका किराया था इस वी सेट का, तब जाके हमारा तेज़ नेट चलता था। इतना ज़्यादा खर्चीला ये था, कुछ समय चलाया उसके बाद यूज़ नहीं किया दोस्तों। ये हमारे भैजी और ये हीरो शाश्वत। हेलो कर दो, हेलो प्रणाम कर दो, हेलो प्रणाम कर दो, प्रणाम करो। ये देखो ये कर रहे हैं आपके लिए प्रणाम। चल घुमण चल। देखो ये शाश्वत जी और ये है उनके पापा, ठीक है। दादी प्रणाम। नीचे जा रखे हैं आपके शाश्वत के दादाजी, क्योंकि अपने दादाजी को यहाँ से देख रहे हैं कि दादा क्या कर रहे हैं स्कूटी पे। और फुरपुरिया बताओ चंद लगी हूँ गोमा फिलहाल। और यहाँ पर मामा जी के बैल भी आ रहे हैं सामने से, ये आ रहे हैं मामा जी के एकदम देसी घरिया बैल। और मामा जी भी आ रहे हैं थके हारे मेहनत करके, हाथ में रखा है बाला और एक हाथ में लकी और लट्ठी। कभी कौन हाल लगा है, चार खेतों का हल लगा के आ रहे हैं मामा जी। देख सकते हो क्या रौनक है चेहरे पे, थकान तो बिल्कुल नहीं है। कोदे की रोटी खाते हैं यार, हैं जंगोरे की रोटी, जंगोरे रोटी कहाँ मने मंडवा या। देखो फिर भी तरोताजा महसूस कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं मामा। सामने का मौसम कुछ इस तरीके से है आप देखो। देख दो साथ आ रहे हैं अभी पीछे वाले मन की पानी लेने का, तो जल्दी आओ वहाँ पे। अभी आ रहे हम, ठीक है जल्दी आओ। वैसे तो हर घर नल हर घर जल आता रहता है, ठीक है, लेकिन
पीने के पानी के लिए फिर भी जो है धारे की तरफ जाना पड़ता है, जो कि प्रत्येक गांव जहाँ जहाँ गांव होंगे वहाँ वहाँ धारे ज़रूर होंगे प्रत्येक गांव के, क्योंकि पहले के गांव ऐसी जगहों पर बसे हुए थे जहाँ की धारे भी बड़ी आसानी से उपलब्ध रहते थे, मतलब थोड़ी दूरी पर, जहाँ से कि लोग पीने का पानी लेके आते रहते थे और बारहमासी धारे मौजूद होते थे। अभी भी हैं बहुत सारी जगह, हमारे गांव में भी है, जहाँ की बारह महीने उन धारों में जो है पानी सदैव बना रहता है। तो ऐसे ही हम अपने गांव की धारे की तरफ जा रहे हैं। गांव का दृश्य आप देख रहे होंगे लगातार, मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो अभी गांव से तकरीबन कितना मीटर चलना पड़ता होगा हमें घर से धारे की तरफ? कम से कम 2 किलोमीटर। चल भाई, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ना, इनका अंदाजा गलत है। तकरीबन 800 से और 900, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही चलना पड़ता है, उतना पैदल जाना पड़ता है धारे तक। अभी हम धार ओर है, देखो धार ओर का नज़ारा बताते हैं आपको। चलो, अभी वर्तमान प्रधान जी जो हमारे हैं, जिनको हम दादाजी बोलते हैं, ये जो ऊपर लंबा वाला घर दिखाई दे रहा है उनका है, नीचे बड़ा जी औरों का है, यहाँ पर भी बड़ा जी औरों का है। यहाँ पर बन रही है नया टैंक, यहाँ पर पहले पुराना टैंक था और नया टैंक बन चुका है। हाइट बहुत बढ़ा दी है और चौड़ाई घटा दी है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आदमी अब आपको गांव में देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। और बाकी ये पुराने समय के घर, ये पत्थर के हैं टूटली, और बाकी क्या बताएं, बाकी आप खुद ही देख लो दोस्तों। पहले ये वाली लोकेशन जो है, तो यहाँ हम नेट चलाने आया करते थे, क्योंकि गांव में नेट नहीं चलता था हमारी साइड, और इस जगह ही यहाँ बोलते हैं धार की तरफ। और यहाँ ठीक सामने जो है टावर लगे थे उस समय, और तब जाके यहाँ पर नेटवर्क आते थे, बड़ी दूर से आते थे। लेकिन अब गांव में नेटवर्क लग चुका है, बड़ी आसानी से हमें नेटवर्क घर के अंदर मिल जाता है, और हम बड़ी आसानी से आपके पास ये वीडियोज़ वगैरह पहुँचा पाते हैं और आप लोगों से कनेक्टेड रह पाते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में दिखाने के लिए। गांव के अगर ऐसी आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप, पहले भी मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। दोस्तों पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा साफ़ सुथरा सा लग रहा है चारों तरफ, और थोड़ा हमारा व्यू एंगल थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले हम छोटे थे, अब थोड़ा लंबे भी हो चुके, बड़े भी हो चुके हैं। हर जगह जो है थोड़ा छोटी छोटी लगने लगती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी हमारी, ठीक है? तो और इन, अगर आपके कुछ हमारे इन वीडियोस के लिए कोई सुझाव वगैरह हो तो हम आपके आभारी हैं, ज़रूर बताना। और ये सफ़ेद फूल बहुत ही मस्त लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कौन सा है यार, मोल को डाल जिसको की जो भालू होता है, भालू का फेवरेट, जंगल का भालू काफी ज्यादा मात्रा में खाता है। और जहाँ ये पेड़ होते हैं वहाँ जो है वो भी होता है, क्या बोलते हैं, डर होता है भालू का बहुत ज्यादा। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो जिसपे ये व्हाइट फूल आ रखे ना पूरे, ये भालू का एकदम बहुत ही फेवरेट फल है। छोटे छोटे होते हैं, काले काले, बहुत मीठे, और थोड़ा खट्टे खट्टे नहीं होते, मीठे ही होते हैं, वो खाता रहता है इनको। इधर ना करना सफाई अभियान। हाँ नहीं हो रहा है, फिर नहीं करोगे क्या हमके गिला? हमारे गांव का पीपल का पेड़, जिसमें कि जैसे क्या बोल सकते हैं, बोलो बोलो, जैसे कि हमारे गांव का कोई बुजुर्ग या कैसे कोई, मतलब ये देखो यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, किसी कारणवश उनका निधन हो जाता है, तो जैसे निधन हुए व्यक्तियों का यहां पे जो भी पूजा वगैरह होती है, कुछ बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, चलो आप बताना। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके बाद जो 12वें 13वें दिन की जो पूजा होती है पीपल के पेड़ के नीचे होती है, तो ये यहीं पर होती है। यहाँ पर एक टीन शेड भी बना दिया है, कुछ हाल ही में बना है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि
ज़्यादा सफाई और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लोगों को पहले दिन, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बना बनाया है और आराम से आदमी यहाँ पर पूजा वगैरह कर सकता है। बहुत ही सुकूनदायक जगह है और यहीं पे पानी भी है पीने लायक। बताते हैं अच्छा पानी बताते हैं आपको जहाँ की हम जाइए। ओ माय गॉड, देख सकते हैं दोस्तों ये काफी मिट्टी लावा है भावना ने। अबे गुए सतींदे पार फोड़ा मत गुंजण जाए, अबे गाल नहीं दे कौन जी लो का लो देख सकते हो फोड़ा मत लो जाए पार देख कर या तुम्हार फोड़ा मत देख कपड़े सुखा रहे हैं यहां पे 1200 रुपया हाल लगाए थे। ओए ओए ये मिट्टी मुट्टी भी ला रहे हैं मारो भिजवाए दोबारा फोन लोन के का लो। और ये देखो बंद भी कर रहे हैं भाई यहां पे, देख गांव वाले देखेंगे भाई हम गालियां देंगे आज इन्होंने खेली होली और नहाने आ रखे ये धारे में ये देखो। ओए अगर कार लगी देख लेता वहाँ की बोलते है की बोली की बोली की बोना की बोली सॉरी बात सॉरी आप सभी लोगों को सॉरी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ बोलना यार के चाहते भी देखो ना ये नौकी से बहुत गंदा आदमी है तू हैं बहुत गंदा आदमी चिल्लर गएंगे ये चिल्लर गएंगे पांच पंच पुटारा छोटा वाला छेगा छे गौरव राणा पंच है ना इन ब्रांड के अंतर है जो हला सुनो जुसु भी अब देखता है तो चली फिर वीडियो ये वो लगी जन मैं मार दी तू मैंने और यूँ ग्रो तो ही तैयार भाई ये वो मैंने कर दिया क्या काजी इधर भी डाल दिया नहीं हमारी ये कमरों